हेलो गाइस, वेलकम टू सर्किट इफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो हमारा वीडियो है सीपीयू कूलिंग पेस्ट के ऊपर। तो ये जो हमने आज अमेजन से एक कूलिंग पेस्ट मंगाया, ये हमारे सीपीयू के लिए। तो ये हमारा सीपीयू जो है, हमने पहले ही असेंबल किया था। इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं देखें तो जाके हमारे चैनल में इस सीपीयू का वीडियो देख लीजिएगा फ्रेंड। या आपका कोई भी सीपीयू हो जिसमें हीट सिंक पेस्ट का ज़रूरत पड़ता ही, कोई भी जो आईसी है उसमें, तो अमेजन से हमने कौन सा हीट सिंक पेस्ट परचेज़ किया जो कि इजीली अच्छी तरीके से काम करता है, तो ये हमने अमेजन से मंगाया। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको इजीली परचेज कर पाएंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं छोटा सा, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, और इससे ज़्यादा महंगा कॉस्ट का लेंगे तो ज़्यादा अच्छी अच्छी क्वालिटी मिल सकता है आपको, लेकिन ये बहुत ही लो प्राइस में हमने परचेज़ किया है, 160 या 150-200 रुपये के आसपास में, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये प्रोडक्ट जो है दिल्ली से आया हुआ प्रोडक्ट इसमें दिख रहा है। तो ये छोटा सा डब्बा है, इसमें भी अलग अलग डब्बा आता है, वैरायटी आता है, तो गलत प्रोडक्ट आप परचेज ना कर लें। मैं जो लिंक दूँगा, एक ही लिंक दूँगा जिस लिंक से आप इसको परचेज कर पाएंगे, जिससे कि आपका कुछ भी प्रॉब्लम ना हो आपका सीपीयू के लिए। तो मैं i5 थर्ड जनरेशन सीपीयू में यूज कर रहा, जाके i5 प्रोसेसर या कोई भी प्रोसेसर, i5 तो खास करके ज़्यादा ही हीट होता है, तो उसके लिए मैंने इसको मंगाया हूँ। तो आप फ्रेंड इसको इजीली आप परचेज कर सकते हैं अमेजन से। और चलिए मैं इसको लगाते हैं, पेस्ट को आपको दिखा देते हैं कैसा है। हमारा जो सीपीयू हमने खोल लिया हूँ, मदरबोर्ड का जो फैन है, सीपीयू कूलिंग फैन, उसी में इस पेस्ट को लगाया जाता है। तो यहाँ पे ये कूलिंग पेस्ट, कूलिंग में जो भी पहले का जो हीट सिंक पेस्ट होगा उसको हटा के साफ कर लीजिएगा। हमने साफ कर लिया, और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका कूलिंग पेस्ट। और इसको इजीली आप यहाँ पे लगा लीजिएगा, जैसे कि मैं अभी आपको लगा के दिखा रहा हूँ। और इजीली इस तरह से यहाँ पे बराबर कर लीजिएगा, ताकि अच्छी तरीके से लग जाए और हीट जो है सारा हीट सिंक पेस्ट में कंज्यूम हो, और फैन के थ्रू हीट कम हो जाए, जिससे कि आपका सीपीयू अच्छी तरीके से वर्क कर पाए। तो हमने सिंपल इस तरीके से लगाया, और जितना अच्छा तरीके से आप लगा सकते हैं इस हीट सिंक पेस्ट को, पूरा पूरी बराबर लगाना है और अच्छी तरीके से लगाना, ताकि अच्छी तरीके से बैठ जाए और अच्छी तरीके से काम में ले सकें अभी इस हीट सिंक पेस्ट को। और बहुत ही पतली हीट सिंक पेस्ट है, जो कि ज़्यादा मोटी नहीं है, और लिक्विड जो है बहुत ही अच्छी है, और एक लेवल तक बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। मैं महीना भर से इसको यूज कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं आया। हाँ, इसमें एक ही प्रॉब्लम है, सब हीट सिंक पेस्ट ज़्यादा कॉस्टली का नहीं है, तो साल दो साल में अब इसको चेंज करते रहिए। और एक आप ले लेंगे ये हीट सिंक पेस्ट तो बहुत दिनों तक चलेगा, कि बहुत ही ज़्यादा इसमें डब्बे में है, तो 6 महीना 7 महीना या साल भर में एक बार चेंज कर देंगे, तो आपका सीपीयू जो है बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करेगा। हीट सिंक पेस्ट जो है फ्रेंड, साल दो साल में सूख जाता है, सूखने के कारण आपका जो सीपीयू है लैग करता है, हैंग करता है, या स्टार्ट नहीं होता है, या कोई अदर प्रॉब्लम होने लगती है, तो एक हीट सिंक पेस्ट के कारण, सीपीयू हीट के कारण ऐसा होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखाएंगे। तो इजीली यहाँ पे इंस्टॉल करना है, इजीली यहाँ पे खुलना है, चारों पंखा के चारों साइड में चारों क्लिप दिया हुआ, उसको घुमाने से ये खुल जाएगा, और उसको पुश करके लगाने से आपका जो है लग जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इसमें मदरबोर्ड में। तो हमारा जो बहुत ही छोटा जगह में हमने इसको असेंबल किया है, मुझे छोटा जगह में ही ज़रूरत था, इसलिए मैं छोटा जगह में इसको असेंबल किया, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जगह स्पेस की। लेकिन अब जो है मुझे इस जगह के लिए प्रॉब्लम हो रही है, अब मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा। तो अब भी इस तरह का डिज़ाइन करके इस तरह से अच्छी तरीके से बना सकते हैं, अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं, हमने भी फ़ोटो इसमें इंस्टॉल किया था। तो चलिए मेरा हमारा जो है यहाँ पे लग चुका है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा।
तो फ्रेंड हमारा जो है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इजीली अच्छे तरीके से लगाएं, ताकि कोई अच्छी तरीके से लगे तो ही आपका काम करेगा। जैसा खोले हैं थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मुझे भी लगाने में टाइम लग गया था। अब जो हमारा सही तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है, अब इसको स्टार्ट करेंगे इसको इंस्टॉल करके। तो फ्रेंड स्टार्ट करके आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके साथ कुछ और ही अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरत है और क्या चीज़ नहीं। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। फिर से एक नया वीडियो और इसी से रिलेटेड वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।